पास पतंगों का सेटअप भी आ चुका है कल के लिए वीडियोस के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दाइश व्लॉग्स। तो आज किस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। चलिए आज किस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी दोपहर का टाइम है गाइस, और ये देखो अभी हम पतंगे वगैरह लेके यहाँ पे ऊपर आ रखे हैं। ये क्या लेके है? कचरा लेके डोल रहा है गाइस, और चश्मा लगा के उड़ाना पड़ता है गाइस पतंग, क्योंकि भाई कुछ दिखता ही नहीं धूप के साइड, पतंग हवा रहती है ना इसलिए। और बस क्या देखो भाई, बढ़िया घूम रहे फिर रहे पतंगे, चश्मे की डब्बी और ये उड़ाने वाले खतरनाक। रात का टाइम और भाई अभी मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था, तो भाई खाना भी अपना आ चुका है। तो गाइस सब्जियां मंगाई है 3 डब्बे और तंदूरी है, और ये साथ में है अपना सलाद, और ये भाई फतले वगैरह। तो ये जल्दी से खाना खाते हैं। खाने के अंदर है तंदूरी रोटी और मटर पनीर की मस्त सब्जी गाइस, और गर्मा गर्म नहीं ठंडे ठंडे गाइस प्याज, और मजा लगा गाइस। क्यों हैप्पी न्यू ईयर गाइस, मजा लेते हैं हम भी, आप भी लो। गुड मॉर्निंग, उत्तरांचल की पहाड़ियों से आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं, इकलौता बचा हुआ। तो गाइस ये देखो भाई, आज काफ़ी ज़्यादा जो क्या बोलते हैं इसको, धुंध है, फोगी हो रखा है पूरा मौसम है। जो देख लो गाइस, यहाँ पे आगे का भी कुछ नहीं दिख रहा है गाइस। ये देखो नीम के आगे कुछ दिख रहा नहीं है, मंदिर देखो गाइस कितना सा दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा फोगी मॉइस्चर हो रखा है गाइस। ये देखो गाइज, अगर ऐसे ही आज पूरे दिन रहा तो भाई मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि भाई आज पतंगे नहीं उड़ा पाऊंगा मैं। और अभी टाइम हो रहे हैं भाई कितना, 10 बज गए हैं गाइज, सही बता रहा हूँ आपको, 10 क्या 11 बज चुके हैं गाइज, सही बता रहा हूँ, 11 बज गए ना गाइज, 11 बज चुके हैं। देखो 11 बजे क्या टाइमिंग है गाइज, भाई कुछ नहीं दिख रहा है। देखो ये कुत्ता भी दिख रहा है इसे, थोड़ा बहुत पास है जब दिख रहा है ये देखो, बाकी दूर दूर तक कुछ नहीं है गाइज। ये देखो नहीं, मौसम बिल्कुल क्लीन हो जाता है 11 बजे तक। तो ये देखो गाइज, ये तो हमारे लिए था, तो पे चढ़ जाते हैं धूप लेने के लिए, तपने के लिए और पतंग उड़ाने के लिए, लेकिन आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि आज बैकग्राउंड में देखो भाई क्या मौसम है, खतरनाक, मजा आ रहा है गाइस। गुड मॉर्निंग, तो गाइस अभी सुबह सुबह मैं लेने आया हूँ लकड़ियाँ, क्योंकि अब आग लगाएंगे गाइस यहाँ पे या अपने घर पे, तो तपने के लिए थोड़ी लकड़ियाँ ले चलते हैं गाइस। चलो देखो भाई क्या खतरनाक रखा है, हम तो भाई आग लगाएंगे जल्दी से। चलो भाई आ जाओ, उठाओ लकड़ियाँ भाई, छत पे आऊँगा गाइस अभी मैं, तो आपको छत का नज़ारा दिखाता हूँ भाई कैसा है। ये देखो गाइस, पास की चीज़ें कुछ भी नहीं दिख रही है आज, तो काफ़ी ज़्यादा ही जो धुंध ओस कह लो, मेरे मुंह से भी धुआई निकल रही है भाई खतरनाक वाली। ये देखो गाइस कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, देखो गाइस चारों तरफ बिल्कुल ओस ही ओस हो रखी है। मस्त सर्दियों के अंदर अपने तो गर्मा गर्म आग लगा लिए। देखो और भाई अभी देखो झाड़ी छीलते वक्त मेरे यहाँ पर लग गई, देखो गाइस, और गाइस मज़ा आ रहा है सही में, आज है इसकी फील तपने की असली, तो क्या भाई मस्त बैठे हैं गाइस, मज़ा आ रहा है। सगा मित्र आ चुका है, तो गाइस डेली आता है गाय का बछड़ा, मस्त है गाइस। इसके बाद हमने चैन डाल के इसको थोड़ी देर आग के अंदर खड़ा कर रखे हैं, ताकि मतलब ये थोड़ा गर्मास हो जाए, तो भाई ये भी सर्दी लगती है, अभी जानवर है बेचारे। ये देखो बेचारा आराम से खड़ा है, देखो कितनी मासूमियत अच्छा लगती है इसके चेहरे से, क्यों भाई सिगरेट पीता है क्या तू, बता सिगरेट पीता है क्या, धुआं क्यों निकाल रहा है फिर। चलो इसको तपाते हैं गाइस, बढ़िया रोटी दी है, रोटी खिला रहे हैं इसको, रोटी खा ले। ऐसा मत समझना गाइस हम इसके चैन बांध के रखेंगे अभी 2 मिनट भाई मजाक के लिए, फिर इसको भगा देंगे गाइस। क्या मस्त आग लगा ली है, और भाई सूरज देवता भी आने वाले हैं, ये देखो 10-11 बजे तक, मतलब 12-1 बजे तक आने का टाइम था, तो आ जाएंगे गाइस। बाकी आज देखो भाई क्या मस्त, बाकी अब कोराटने लग गया, देखो गाइस धीरे धीरे आज कंप्लीट मौसम है, जो भी 12-1-2 बजे तक साफ हो जाएगा कंप्लीट, 12-1 बजे तक ही जाएगा गाइस देखना। और ये देखो क्या मस्त आग चल रही है, हमने भाई पूरी लकड़ियाँ लगा दी, मोटी गीली जितनी भी गीली सूखी सब लगा दी, सब जल गई गाइस गर्मी के चक्कर में। आपने भी टाइम लैप्स देखी होगी कितनी खतरनाक आग लगाई थी हमने। इन सभी को आता कि मैं आज तुम्हारे को सर्दी के अंदर गर्मास का एहसास करा दूंगा, गर्मी का मतलब, तो देखो भाई इनके सबके पसीने डाक रहे हैं, मेरे डाक रहे हैं, ये देखो गीला हो गया, देखो गाइस ये देखो गीला हो गया मैं, मजा आ रहा है गाइस। तो अभी दोपहर का टाइम है और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, देखो बाहर का मौसम भी काफी साफ हो चुका है और धूप भी आ चुकी है, तो भाई अब जल्दी से खाना खा लेते हैं और फिर उसके बाद में चलेंगे छत पे। ओ ये साइकिल खड़ी अपनी, अभी नहा धो के आऊँ यहीं पे टैंक पे बैठ के, और खाने में क्या है देखते हैं गाइस। खाने में देखो कल की तो है आलू गोभी की सब्जी, और ये साथ में चावल बनवाए थे मैंने, नमकीन चावल, तो भाई और साथ में है दही, और ये खाते हैं, तो प्लेट में डाल लिया है, जल्दी से खा लेते हैं और फिर चलेंगे ऊपर इस मोरक के साथ।
बिल्ला कैसे घूम रहा है शेर की तरह भाई। सही में शेर की तरह लगता है जी, छोटा है बस ये। ये तो भाई असली का चीता है भाई, ये चीता है देखो कैसे देखो, चीते की तरह चीता ही गाइस। चीते के बच्चे होते हैं ना टाइगर के छोटे, तो भाई वो सेम टू सेम ऐसे ही लगते हैं, उन्हीं की प्रजाति का है ये भी। देखो क्या कर रहा है ये, बाथरूम इधर तो देख। हेलो चाऊ 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 माऊ म्याऊ 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 म्याऊ। कहाँ जा रहा है अभी गाइस, अंदर जाएगा देखना। देखो भाई क्या स्टाइल इसकी, पतंग आ गई। मैं आया था स्टूडियो के अंदर पतंगे लेने के लिए, अब पतंगे लेंगे और अपन चलेंगे सीधा ऊपर, मस्त पतंग उड़ाएंगे गाइस। अभी 3 या 4 बज रहे हैं शायद भाई। ये देखो एक और पतंग आ गई अभी, जस्ट लेके आया है ये। हमारी खूब पतंग आती थी गाइस, अभी एक ऊपर से गई थी लेकिन उसको कोई ऊपर था नहीं इसलिए छोड़ दी उसको, कोई लूटने वाला नहीं था हमारे ऊपर छत पे, लंबी डोर दाड़ी थी उसकी गाइस। तो भाई लेके चलो इनको, सब पतंगों को उठाओ। ये देखो छोटी पतंग है हमारी एक्सपेरिमेंट वाली, जिनसे अब शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। चरखी कौन सी, चरखी 2 ये लेके चलनी है, एक एक तेरी है ना। पतंग कैसे उड़ रही है हमारे ऊपर, फड़फड़ा रही है देखो। और हम यहाँ पे बढ़िया मस्त छतों पे बैठे हैं गाइस, और यहाँ पे खा रहे हैं हम नमकीन चावल सुबह वाले, मजा आ रहा है गाइस। तो भाई अभी देखो पतंग उड़ा लिए, काफी लंबी ऊपर कर दी हमने पतंग, और अभी एक फनी शॉर्ट वीडियो बनाई है गाइस हमने, जिसमें भाई मैं खींचता खींचता ऐसे गिर गया, उसमें काफी फनी सीन आया गाइस। चलो आप देख रहे हैं गाइस उस रील को, रील क्या उसको शॉर्ट्स को। फटी पतंग, ये फटी हुई पतंग उड़ा रहा है इसे लड़ाने के लिए। अब ये पतंग दोनों यहीं पे आ गई थी, चाहते तो हम तोड़ सकते थे लेकिन हमने तोड़ा नहीं। ये देखो भाई हमारे हाथ में आ गया है, ये देखो गाइस किसकी हालत क्या है इतना सारा इतना लंबा बन जाए इसके साथ गाइस, इसकी दशा देखो कितनी बुरी है गाइस। ये देखो इसकी दशा, इनको दिक्कत नहीं है अपन तो उड़ा लेंगे, उड़ा के यहीं पे काट के पीट के डाल देंगे। और आज नया स्टॉक आ रहा है पतंगों का अपने पास, तो वहाँ पे आपको वो नई पतंग की वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करना गाइस, आपको नई पतंगों का स्टॉक दिखाएंगे हम। तो एक लंबी पतंग आ चुकी है, लंबी नहीं पतंग मस्त आई है गाइस, चलो लेके आते हैं। क्या मस्त पतंग आई है गाइस, भुगन लेके आ रहा है देखो, आप सबको दिखाएगा अभी। उड़ा गया, मंजे तोड़ देना, मंजे तोड़ दे इसका, मंजे तोड़ दे फिर भी। मस्त पतंग आया एक नंबर, अब इसको लेके चलते हैं। काम पहुंच गए थे वहाँ पे हमारी दूसरी पतंग लेके, और चरखे में बर्फ समेट रहे थे मंजा वगैरह, लेकिन इतनी देर में ये पतंग आ गई तो भाई वापस आना पड़ा। आपके बोल रहा हूँ भाई सांस भर गया। मस्त कुर्सी लगा लिए छत पे, अब बैठ के यहाँ पे मस्त नज़ारे लेंगे सामने का, मजा आ रहा है। और अमेरिकन भाई इधर आओ, आप इधर आओ, जनता को दिखाओ आपके दर्शन, नीचे बैठो, बताओ भाई इनको, जनता को बोलो यार लाइक शेयर करने के लिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर करना है गाइस आपको, अगर आप तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हो करना है, लाइक भी करना है। अगर आप मस्त सनसेट का टाइम हो चुका है भाई, अभी एक जस्ट पतंग लूट के लाए हूँ, ये देखो ये भी एक पतंग लूट के आ रहा है भाई। आजकल मतलब पतंगे खूब आ रही है, अब संक्रांत का सीजन है ना तो काफी सारी पतंगे आएगी, और अभी शाम का टाइम हो चुका है तो भाई काफी सारी हैं। और वो दिखा मंजा कौन सा है, मस्त मंजा तो हाँ, ये देखो भाई क्या मस्त मंजा आया, देखो इतनी बड़ी गट्टी आई है। और ये पतंग आई है, 2 पतंगे लूट लाई, अभी बस दोनों नीचे जाके आए थे, और गाइस अभी कोई उस कमरे की साइड भी था वहाँ पे, तो भाई उसके अंदर हमारे को हम उधर गए बाहर बोल रहे कि कहाँ गया इतनी जल्दी, गायब कहाँ गया, तो हम बाहर जाके उसको बोल रहे कहाँ गया वो इतनी जल्दी। भाई साहब कमरा खोल के आते हैं, बोलते हैं अरे भाई साहब मैं तो डिप्रेस हो रही हूँ। मैंने चलो कोई बात नहीं है, मैंने सोचा कि भाई प्रूफ के तौर पर कभी वीडियो में भूल भी जाऊँ तो वीडियो में याद रहेगी। इतनी सारी पतंगें उड़ रही है, और यहाँ सनसेट होने वाला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस साइड उड़ाएंगे इस पतंग हवा भी इस साइड की है। पास पतंगों का सेटअप भी आ चुका है कल के लिए वीडियोस के लिए, तो गाइस अब कल देख लेना भाई आप कौन कौन सी पतंगे है, बरेली यूपी सब तरह का मांझा है गाइस, एक नंबर, सभी मांझे को अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, पतंगे भी आपको सारे अनबॉक्स करके दिखाएंगे, सारा बंडल आ चुका है। तो गाइस कल की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि भाई स्पेशल पतंगबाजी के ऊपर होने वाली है। हम आपको अपना कंप्लीट स्टॉक दिखाएंगे कल हमारे पास कितनी पतंगे हैं, कौन सी पतंगे आपको लेनी चाहिए, और कौन सा आपको बेस्ट मांझा खरीदना चाहिए तो सही दाम के अंदर। तो गाइस चलिए सबसे पहले तो भाई अभी बर्गर लाए हैं, तो भाई बर्गर खाते हैं, चलो बर्गर खा लेते हैं भाई, बर्गर मंगाए थे। ये देखो भाई आपको खोल के दिखाते हैं, लाइफ खाए नहीं जा रहा है। और आज मैं काफी आपको गाइस
तो फिर जो अपना पतंगों का चौक था वो भी आ चुका है। तो गाइस कल की वीडियो जरूर देखना और आज के व्लॉग को इसी के साथ एंड करते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ जैसे न्यू व्लॉग न्यू कंटेंट साथ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।